वेलकम बैक टू द फिलोसफर क्लासेस भाई रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को मैं नेक्स्ट में वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग प्रॉपर नाउन में बेसिक कॉमन एरर्स देखिए। बेसिक कॉमन एरर्स ERRORS बेसिक कॉमन एरर्स में देखिए। आप पहला एग्जांपल देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ही इज माई कजिन ब्रदर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सी इज माई कजिन। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सी इज माई कजिन सिस्टर। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, ही इज माई कजिन। तो मैंने चार एग्जाम्पल दिया बेसिक कॉमन एरर्स में। तो आप लोग बताइए कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिखा कि ही इज माई कजिन ब्रदर, यानी वह मेरा चचेरा भाई है। यहाँ पर सी इज माई कजिन, उसका भी वही मतलब है, वह मेरी चचेरी बहन है। यहाँ पर सी इज माई कजिन सिस्टर, इसका भी मतलब वह मेरी चचेरी बहन है। और ही इज माई कजिन, इसका भी मतलब जो है कि वह मेरा चचेरा भाई है। तो मैंने फोर एग्जाम्पल दिया, तो विच वन इज राइट और रॉन्ग, इसमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि कैसे पहचानेंगे कि राइट और रॉन्ग है। तो आप देखिए, ये जो फर्स्ट वाला है, ही इज माई कजिन ब्रदर, ये हमारा रॉन्ग है। और सी इज माई कजिन, ये राइट है। और सी इज माई कजिन सिस्टर, ये रॉन्ग है। और ही इज माई कजिन, ये राइट है। तो आप कहेंगे कि सर देखने में तो फर्स्ट राइट लग रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि द वर्ड कजिन डज नॉट फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब कजिन वर्ड के साथ जो कि ब्रदर और सिस्टर वर्ड का प्रयोग कभी नहीं होता है। यदि आप कर देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। मैंने क्या बोला कि द वर्ड कजिन डज नॉट फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब कजिन वर्ड के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर वर्ड नहीं आते। अगर सेंटेंस में आ गया तो सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो इसलिए हम जो है कि कजिन वर्ड के साथ कभी भी जो है हम ब्रदर एंड सिस्टर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला कि द वर्ड कजिन डज नॉट फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, ए रॉन्ग हो गया, इसमें ब्रदर लगा है। सी इज माई कजिन, ये राइट है, क्योंकि इसके साथ सिस्टर नहीं लगा है। और सी इज माई कजिन सिस्टर, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, मैंने जस्ट बताया कि द वर्ड कजिन डज नॉट फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर। तो कजिन जो है कि एक ऐसा वर्ड है जो ब्रदर एंड सिस्टर का प्रयोग उसमें कभी नहीं किया जा सकता। अगर आप कर देंगे तो रॉन्ग माना जाता है। ही इज माई कजिन, तो ये हमारा सेंटेंस राइट है। ही इज माई कजिन, यानी वह मेरा चचेरा भाई है। तो मैं अब प्रॉपर नाउन का लास्ट में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, इसमें से देखकर बताइए कि कौन सा राइट है बेसिक कॉमन। जैसे मैं कहूँ कि देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि देयर आर नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो स्पेस अवेलेबल इन दिस हॉल। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, देयर आर नो प्लेस अवेलेबल इन दिस हॉल। तो मैंने क्या किया कि चार एग्जाम्पल दिया है बेसिक कॉमन एरर्स में। सेकेंड एग्जाम्पल, देयर इज नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल,
और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि देयर आर नो रूम अवेलेबल इन दिस हॉल। थर्ड देखिए कि देयर इज नो स्पेस अवेलेबल इन दिस हॉल। और फोर्थ देखिए हमारा कि देयर आर नो स्पेस अवेलेबल इन दिस हॉल। तो मैंने क्या किया, आप सभी लोगों को मैंने चार एग्जाम्पल दिया, तो चारों एग्जाम्पल में से आपको राइट और रॉन्ग करना है। इन चारों का मतलब होता है कि जगह खाली नहीं है। इन चारों का मतलब क्या होता है, इस हॉल में जगह खाली नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि ए वाला हमारा राइट है और ए रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, ए रॉन्ग है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि पहला राइट है और बाकी सब रॉन्ग है। देखने में तो आप बोलेंगे सर ये लास्ट वाला जो है कि ये वाला राइट होना चाहिए कि देयर आर नो प्लेस अवेलेबल इन साल, क्योंकि प्लेस माने जगह होता है और स्पेस में जगह होता है। तो आपको लगेगा कि सर रूम माने कमरा होता है। एक्चुअली जो है कि नो रूम जो है एक फ्रेज वर्ड है जिसका मतलब ही होता है कि जगह खाली नहीं है, इसलिए ए राइट हुआ और बाकी सब रॉन्ग हो गया। तो आज मेरा प्रॉपर नाउन का लास्ट जो है कि एग्जाम्पल था। अब मैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कि कॉमन नाउन में आपको जब मैं बताऊंगा तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कि कॉमन नाउन पर बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।